इस हफ्ते BGMI शोडाउन खत्म हुआ, गेम के अंदर और स्टेज पे क्या क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हो। अ ह्यूज कंग्रेट्स यार, 7 सीज ब्रो, वो डी गैरी। अभी तक इंडिया में 3 LAN इवेंट हो चुके हैं, तीनों इवेंट्स में से 3-3 अलग अलग विनर्स निकले। देखते ही देखते एक और लैन खत्म हो चुका है और ये लैन ना क्राफ्टन का पहला ऑफिशियल लैन इवेंट था। बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस भी देखने को मिले, बहुत सारा ड्रामा भी था। इनफैक्ट हमारे चाहिए थे अपॉलॉजी मिनिस्टर ऋषि भी इस मैटर में कहीं ना कहीं स्ट्रीम पे काफी कुछ कह गए। मैंने लाइफ में बहुत जल्दी सीख लिया था कि हेटर्स के लिए जगह नहीं है मेरी लाइफ। सबका खुलासा होगा, सारे रिजल्ट्स के बारे में बातें करेंगे, सारे स्टोरी लाइंस भी क्लोजली जांचेंगे। वैलोरेंट में VCT मास्टर्स कोपेनहेगन खत्म हो चुका है और फ्री फायर में रंबल इन द जंगल फिनिश हो चुका है। चैंपियनशिप से भरा पड़ा था यार ये पूरा हफ्ता। एपिसोड को एंड तक देखना, लोको पे भी देख रहे हो तो भाई फॉलो भी कर देना। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ईस्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। सेवन सी स्पोर्ट्स जीते BGMI शोडाउन की ट्रॉफी, जहां उन्होंने आखिरी मैच में ओरांगुटैंग को पछाड़ के एक हाई फिनिश चिकन डिनर के साथ जीत लिया ये सीरीज। OG लीड कर रही थी, 2 back-to-back चिकन डिनर्स भी निकाले थे, लेकिन आखिरी गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और सेवन सीज ने इस मौके का सही फायदा उठाया और ट्रॉफी के साथ साथ 5 लाख रुपए का प्राइस पूल और रियाड की टिकट भी काट ली। वो पोडियम वाली फिनिश अलग होती है यार, वो माहौल भी एकदम मजेदार। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि पिछले हफ्ते मैं भी जाके जीत के आया था। ओके, खुद नहीं जाके जीत के आया था बट प्लेयर्स के साथ था। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए ये टूर्नामेंट थोड़ा टफ रहा, कंसिस्टेंसी थोड़ी लैकिंग थी, लेकिन होता है, वी कांट विन देम ऑल। वैसे गॉडलाइक वर्सेस सोल हमें इस इवेंट में भर भर के देखने मिले। कभी गॉडलाइक ने ड्रॉप क्लैश किया, कभी सोल ने, कभी कभी INS ने आके थर्ड पार्टी किया और लास्ट मैच में यास्नाया में हुए ड्रॉप क्लैश के बारे में बात करनी पड़ेगी बॉस। बहुत मजा आया, सोल, गॉडलाइक, जी, TSM सब देखने मिले इसमें। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने गॉडलाइक और सोल दोनों ही टीम्स को वाइप किया। ये एक दूसरे के ड्रॉप पे जाना, दिस इज ग्रेट फॉर बिल्डिंग राइवलरीज, बट यार किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता जब स्टार्टिंग में ही 2 प्लेयर्स मर जाए तो। करो यार दिल से करो, लेकिन सोच समझ के करो। सोशल मीडिया पे कोई भी बच सकता है, हिम्मत है तो गेम में बच के दिखाओ। इसके रिगार्डिंग सिड ने भी अपने स्ट्रीम पे कुछ ऐसा कहा। GN Soul टीम अप, जो टीम को मैं हैकर बोलता था, जो टीममेट्स भी आई डिड नॉट लाइक मी वेरी मच एट वन पॉइंट, देम टीमिंग अप विद माय टीम, नो लॉजिक, बट यू आर अलाउड टू से व्हाट यू वांट। और iFlix जो के PUBG PC प्लेयर रह चुके हैं और अब T1 BGMI टीम्स को कोच करते हैं, उन्होंने भी इस पे काफी थॉट शेयर किए। बहुत प्रेडिक्टेबल है कि तुम #16 पे हो और तुम्हें मार के #16 के नीचे डालने के लिए कोशिश तो करने का वाला सीन जो है बहुत प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ड्रामा और भसड़ तो हो गया, इस सब को लेके आपका क्या ओपिनियन है? आई एम श्योर ये सब कमेंट्स में डिस्कस होगा ही। सच बोलूं तो मैं तो सिर्फ RE Sports के लिए ही रूट कर रहा था यार। आई वाज होपिंग कि हर चिकन डिनर वही ले जाएं। वो इसलिए था क्योंकि कनेरी जब भी कैमरा पे आते थे ना, उनकी एनर्जी, उनके डांस मूव्स, उनका टशन, भाई इंटरव्यू तो देखने लायक था। और सबको याद दिलाया कि सिर्फ गेम में ही एंटरटेन करने से कुछ नहीं होता है, लाइफ में दूसरे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की ताकत ना सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, एंड यू आर डेफिनेटली वन ऑफ देम कनेरी, कीप किलिंग इट। आगे बढ़ते हैं इंडिया टुडे गेमिंग के ईस्पोर्ट्स प्रीमियर लीग Season 2 LAN इवेंट पे। इसका प्राइस पूल होने वाला है पूरे 1 करोड़ रुपए और जीतने वाले टीम को मिलेगा मैसिव प्राइस पूल शेयर ऑफ 50 लाख रुपीज। क्वालिफायर्स ऑलरेडी चल रहे हैं और 16 टीमें जल्द ही डिसाइड हो जाएंगे लैन के लिए और देखते ही देखते हमें इंडिया में एक और लैन इवेंट देखने मिलेगा BGMI का। फिलहाल औरों के पास चलते हैं फ्री फायर मैक्स और पोकेमोन यूनाइट की बातें करने। गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने जीत लिया है रंबल इन द जंगल का Week 2 फ्री फायर मैक्स का रीसेंट टाइम में सबसे बड़ा इवेंट, जहां पे गॉडलाइक ने पूरे 9 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए का लैन शेयर अपने नाम किया है। की टीम ने पूरे हफ्ते तो बहुत अच्छा खेला बट फाइनल्स में जाके चूक गए और उनको सेकंड पोजीशन में ढकेल दिया गया बाय गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स। टीम माफियास को भी एक और पोडियम फिनिश मिला, थर्ड पोजीशन पर उन्होंने भी खत्म किया, बट टीम माफियास का ना आदत सा है पोडियम फिनिशेस का। उनकी टीम को मिला द मोस्ट किल्स का अवार्ड प्लस मोस्ट बूया निकालने का अवार्ड एंड उन्हीं की टीम के एक खिलाड़ी द माफिया को मिल चुका है MVP का खिताब भी, जहां पे उन्होंने टोटल 1 लाख रुपए जीता।
कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स एंड ऑल द टीम्स। वैसे तो क्रॉन्टन भाई ने ना हर एक गेम में गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स में चैंपियंस भर के रखा है, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो, बीजीएमआई हो या फिर फ्री फायर हो, हर जगह पे गॉडलाइक की टीम तो मचा ही रही है। असेंट बाय विलेजर ईस्पोर्ट्स ने अनाउंस किया $1,000 प्राइस पूल का टूर्नामेंट फॉर पोकेमॉन यूनाइट। इस टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन ओपन था एंड टोटल 26 टीमों ने ऑलरेडी हिस्सा ले लिया है इस टूर्नामेंट में, और इन टीमों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा चुका है जिसमें से SA12, एनिग्मा, ट्रू रिपर्स, रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स एंड केमिन जैसे बड़े नाम भी शामिल है। पोकेमॉन यूनाइट का season 1 ऑलरेडी लाइव जा भी चुका है। अगर इंडिया में ईस्पोर्ट्स फॉलो करना चाहते हो और पोकेमॉन लवर्स हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट VCT मास्टर्स कोपेनहेगन। पहला वैलोरेंट लैन इवेंट विद अ लाइव ऑडियंस। ग्रैंड फाइनल्स था APAC की पेपर रेक्स और EMEA की FPX यानी कि फन प्लस फीनिक्स के अगेंस्ट। बहुत ही क्लोज सीरीज था लेकिन FPX ने कंपोजर मेंटेन किया और ये मैराथन सीरीज जीत लिया। A huge congratulations to the EMEA champions of the world. भाई लोअर ब्रैकेट से ग्रैंड फाइनल्स तक का सफर ना एकदम देखने लायक था। फुल जी फाइटिंग वाले वाइब्स। उन्होंने हम सबको दिखाई दिया कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना चाहिए। पेपर एक्स की भी जर्नी इस पूरे इवेंट में बहुत मजेदार थी। कोई टीम नहीं थी जो इस टूर्नामेंट में उन्हें एक भी सीरीज में हरा पाए। दे बैटल्ड इट थ्रू कोविड आल्सो, जहां उनके काफी प्लेयर्स बीमार थे और ग्रैंड फाइनल्स में पहली बार उनकी पूरी टीम स्टेज पे एक साथ दिखाई दी। ह्यूज कंग्रेट्स, APAC इज सो प्राउड ऑफ यू गाइज। स्टेज पे फाइनल्स की एंट्री देखने लायक थी यार। लगता है बेनकाई ने तो अपने इनर कनेरी को ही चैनल कर दिया। ऐसे चीजों की वजह से ही कोई भी ऑनलाइन इवेंट ना लैन इवेंट की जगह नहीं ले सकता है। वैसे साउथ एशिया में एक और टूर्नामेंट खत्म हुआ स्काई स्पोर्ट्स प्रो इन्विटेशनल के नाम से। ये इवेंट जीता है एनिग्मा गेमिंग ने, जहां उन्होंने हराया रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स को एक बहुत ही इंटेंस BO5 सीरीज जो आखिरी मैप तक गया। अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू एनिग्मा बॉयज फॉर दिस फीट। रेवेनेंट ने भी अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई आई थिंक, लेकिन एंड में वो ये सीरीज जीत नहीं पाए। वाज जस्ट नॉट एनफ। एक और टूर्नामेंट TEC चैलेंजर सीरीज ग्रुप स्टेजेस तक पहुंच चुका है, जहां 8 टीमें बैटल कर रही हैं 4 लैन इवेंट स्लॉट्स के लिए। ग्लोबली स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी, लेकिन आने वाले इवेंट्स में हम जरूर वापसी करेंगे। वैलोरेंट फ्रेंचाइजिंग के बारे में भी काफी सारे अपडेट्स हैं, काफी सारे रूमर्स भी हैं कम्युनिटी से। इन्हें बिलीव मत करना। None of it is confirmed till Riot themselves say something about this. Other than that, Velocity Gaming ने भी काफी अनाउंसमेंट्स की। फ्रेंचाइजिंग ना मिलने के चलते CA और स्लीपी को टीम से अलविदा कर दिया। अन्ना ने बताया कि इंडिया में कम्पीट करने के लिए they'll not be needing an analyst and a coach, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। वेल, मोर ऑन दिस इन द अपकमिंग एपिसोड्स। होपफुली वेलोसिटी में सब कुछ ठीक ठाक चलते जाए। बहुत सारे दूसरे रोस्टर्स में चेंजेस दिख रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। यार वो चैंपियन बनने की फीलिंग ना एकदम अलग होती है, और किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट में जहां वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स का सामना हो रहा है ना, अगर आप उधर जाके तोड़े ना तो यार 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा टीम सोल को PMWI में, 7C ईस्पोर्ट्स को PMWI की आफ्टर पार्टी में, और रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स को पोकेमॉन यूनाइट के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इन टीम्स को सपोर्ट करते रहो, इसलिए नहीं क्योंकि वो सोल है या रेवेनेंट है, बट इसलिए क्योंकि वो टीम इंडिया है। डू सपोर्ट देम, डोंट स्प्रेड हेट। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो शेयर कर देना, लोगों पे भी जरूर फॉलो कर देना। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय। साइलेंस, साइलेंस ऑन सेट। ईस्पोर्ट्स दिस वीक टेक 57। कट बहुत ज्यादा फनी था क्या? मेरे को 15 एपिसोड्स में 57 टेक्स नहीं लगे रहेंगे। ठीक है गाइस, सुकी डिड इट रॉन्ग, इट्स टेक 557।